क्या आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए? दोस्तों आज अनंत चतुर्दशी है, अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। क्या विधान है वो बता देता हूँ। स्नान करके व्रत का संकल्प कीजिए। शास्त्रों में यद्यपि व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का विधान है, पर आजकल संभव नहीं है, तो घर में पूजा गृह की स्वच्छ भूमि पर कलश स्थापित करके कीजिए। कलश के ऊपर शेष नाग के शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को रखिए। उनके समक्ष 14 ग्रंथियों यानी 14 गांठों से युक्त अनंत सूत्र डोरा बोलते हैं, उसको रख दीजिए। उसके बाद ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः इस मंत्र से भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडश उपचार विधि विधान से पूजा करें। पूजन के उपरांत अनंत सूत्र को मंत्र पढ़कर जो पुरुष है अपने दाहिने हाथ में और जो स्त्रियां हैं वो अपने बाएं हाथ में बांध लें। अनंत सूत्र बांध लेने के पश्चात किसी ब्राह्मण को नैवेद्य में भोग अवश्य दीजिए, सह परिवार प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। व्रत कथा को सुनिएगा, इसकी कथा है, सुन लीजिए। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर भ्रमित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए सूत्र बांधा है? पत्नी बोली विनम्रता पूर्वक कि जी नहीं, ये अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है, परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ऋषि ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझ लिया। अनंत सूत्र को जादू मंत्र का वशीकरण करने वाला डोरा समझकर तोड़ दिया, आग में डाल दिया, जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने पर विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। रास्ते में जो मिलता उसे अनंत भगवान का पता पूछते। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, निराश होकर प्राण त्यागने पर मजबूर हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया। एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज भगवान अनंत देव का दर्शन करवाया। भगवान ने मुनि से कहा कि तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया, अपमान किया, सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें प्राप्त होगी और सुखी समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इसी आज्ञा को सहज स्वीकार कर लिया। भगवान ने आगे कहा कि हे जीव, अपने पूर्वत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में आप भोगते हैं। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सह विधि पालन से सब पाप नष्ट होते हैं, सुख शांति प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों आज अनंत चतुर्दशी का व्रत कीजिएगा, अनंत सूत्र अवश्य